फाइनली विक्रम भट्ट की मूवी हैक का ट्रेलर रिलीज हो गया और ये ट्रेलर देखकर मैं इतना ही बोलूंगा फाइनली मुझे अच्छा इसलिए लगा कि इस बार विक्रम भट्ट कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी से संकी आशिक की कहानी बता रहे जो एक अपडेटेड आशिक है। मैं तो बोलूंगा अपडेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्योंकि 80s और 90s में भी आपने इस तरीके की आशिक पर बनी हुई फिल्में देखी होगी, लेकिन अब जब जमाना बदल गया, लोगों के पास सेलफोन आ गए, लोगों के पास लैपटॉप आ गए, लोगों के पास इतनी ज्यादा सारी की सारी टेक्नोलॉजी से और हर घर में लगभग आपको इंटरनेट देखने को मिल जाएगा, तो अब जो आशिक है वो भी अपडेटेड हो गए। तो इस बार जो आशिक है उसका दिल टूटने पर लोगों का मर्डर या कुछ ऐसी चीजें नहीं करता जो आप लोग ने ऑलरेडी देख चुके, इस बार वो हैक करेगा और हैक करने के बाद अपनी प्रेमिका को परेशान करेगा, यानी जिससे वो प्यार करता उसको परेशान करेगा। तो यहाँ पर हमें नजर आते सन की आशिक के रोल में रोहन शाह और उसकी लव इंटरेस्ट का रोल यहाँ पे प्ले करी हिना खान। हिना खान एक पॉपुलर फेस है टेलीविजन एक्ट्रेस में और मुझे ऐसा लगता है इसका ट्रेलर देखने के बाद कि हिना खान को फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत लोग पसंद करने वाले, और स्पेशली रोहन शाह की बात करूंगा तो उस लड़के का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली ट्रेलर में देखकर बहुत अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए था, वरना हमने सन की आशिक के ऊपर इससे पहले भी फिल्में देखी है और कुछ नयापन नहीं होता अगर वो उसी तरीके की फिल्म बनाते तो। यहाँ पर जो हैक वाला जो कॉन्सेप्ट डाला ना वो कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग है, ये हैकर जो होते हैं ये बहुत ही अलग तरीके के लोग होते हैं, इनसे पंगा जितना ना हो उतना ही बेटर है। हैकर्स लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये सिर्फ आपके बैंक से पैसा ही नहीं निकाल सकते, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग इस ट्रेलर में समझ चुके होंगे, अगर आपने ट्रेलर से भी नहीं समझे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी से आपको बहुत कुछ पता चलेगा हैकर कैसे हैक करता है और हैकर चाहे तो क्या क्या कर सकता है। हालांकि हमारे इंडिया में ये इलीगल चीज है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैकर है जो बहुत ही सफाई से ऐसी ऐसी चीजें करे जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, वो सब चीजें आपको न्यूज चैनल पे भी देखने को नहीं मिलती है। और हैकर बहुत ही इंटेलिजेंट जो हैकिंग करते हैं ये कोई मामूली काम नहीं है, अगर आप लोग सोचोगे कि आप लोग भी हैकिंग कर सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफी दिमाग का काम है और काफी बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ये सब करते हैं। हालांकि मुझे भी हैकिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने न्यूज में सुना है जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको वही बता रहा हूं। और ये ट्रेलर में देखकर मैं एक चीज बोल सकता कि इसमें आपको गाने बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, हालांकि विक्रम भट्ट हो या महेश भट्ट हो इन दोनों की फिल्मों में आपको जो सॉन्ग्स होते ना भाई एक नंबर होते, भले इनकी जो कहानी होती है वो कहानी में दम नहीं होता लेकिन इनके जो सॉन्ग्स होते ना वो चार्ट बस्टर रहते हैं, यानी कि वो सॉन्ग्स आपको मूवी के बाद भी आप लोग सुनना पसंद करते हो। और एज यूजुअल इस फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और एक चीज और होती है महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की फिल्मों में, वो होते हैं बोल्ड सीन। तो इस ट्रेलर में भी इतना समझ चुके हो कि काफी बोल्ड सीन आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ हटा दो तो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वो है रोहन शाह का। उस लड़के का परफॉर्मेंस मुझे ट्रेलर में बहुत बेहतरीन लगा। खैर अब मैं तो यही चाहता हूँ कि इस मूवी के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें लोग, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी नया और यूनिक लग रहा है। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये मूवी विक्रम भट्ट की जरूर चले क्योंकि इस मूवी में दम है। तो अगर आपको हैक का ट्रेलर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, बाय।